हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। क्या है क्वेश्चन 17 में, तो कि 3x माइनस 2 स्ट्रिक्टली लेस देन 2x प्लस 1, इस इनइक्वालिटी को हमें सोल्व करना है। बहुत ही आसान है, जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में करते थे वैसे ही करना है। x वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, बाकी रियल टर्म को राइट साइड में। तो ये प्लस 2x है वो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 2x स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो वहां पे था ही, माइनस टू इधर से गया तो प्लस टू। एक बात याद रखनी है, बोथ द साइड आप अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो या तो पॉजिटिव नंबर से सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हो बोथ द साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। लेकिन नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लीकेशन या तो डिविजन करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x स्ट्रिक्टली लेस देन 1 प्लस 2, आंसर आएगा 3। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, x स्ट्रिक्टली लेस देन 3। मतलब कि नंबर लाइन पे अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस 1 माइनस 2। x की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है, मतलब 3 भी इंक्लूड है नहीं, ये जो 3 है वो इंक्लूड है नहीं, और 3 से छोटी सारी नंबर्स, मतलब जो आपको ये सॉल्यूशन दिखा है ना, ये उसका सॉल्यूशन है, जो डायरेक्ट लाइन दिख रही है वो। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 भी बहुत ही आसान है। प्लस 3x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x, इस ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 3, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3। अब देखो 5x में से 3x जाएगा तो कितना बचता है, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। इतना तो सबको क्लियर है। अब यहाँ पे x चाहिए, 2 चाहिए नहीं, अब मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। लेकिन जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तब मुझे एक बात याद रखनी है कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव। चलो पॉजिटिव नंबर ही है, क्या है, पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 2 से 2 कट, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अगर मैं इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे शो करूं तो माइनस 1 से सारे बड़े नंबर, इधर 0 है, माइनस 1, माइनस 2, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे माइनस 1 से बड़े नंबर, आप नंबर लाइन पे जैसे ही राइट साइड आगे बढ़ते हो ना तब नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, तो क्या आएगा, माइनस 1 इंक्लूड है जी, बिल्कुल यहाँ पे है इक्वल वाली साइड, तो इंक्लूड है, और ये जो दिख रहा है डार्क लाइन वो उसका सॉल्यूशन है। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या है, तो कि 19 में यहाँ पे सर इनइक्वालिटी गिवन है, 3 सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 वन जा 3 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3x, क्या होगा, 3x स्ट्रिक्टली लेस देन 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 टू जा 8। अब क्या करोगे, x वाले टर्म को लेफ्ट साइड में एंड बाकी नंबर राइट साइड में, तो देखो माइनस 3x तो वहाँ पे है ही, ये 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 8 है, प्लस 3 इधर गया माइनस 3, ये क्या होता है, माइनस 5x स्ट्रिक्टली लेस देन 5। अब मैं बोथ द साइड माइनस 5 से डिवाइड करने वाला हूँ, किससे डिवाइड करने वाला हूँ, माइनस से, जब माइनस नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, वो आपको याद रखना है। माइनस वाई से माइनस वाई कट, तो एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 से बड़े ग्रेटेस्ट सारे नंबर, यहाँ पे है माइनस 1, माइनस 2, 0, 1, 2, इनफाइनाइट, राइट साइड में आगे बढ़ते हो वैसे ग्रेटेस्ट नंबर आते जाते हैं, और माइनस 1 वो इंक्लूड है नहीं तो ओपन आएगा, वो जो डार्क लाइन दिख रही है वो उसका क्या है, सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन, इस तरह से दिखाते हैं। ओके, अब 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सिंपल है, इधर पहले हम एलसीएम ले लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो चलो इधर क्या है, x बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x माइनस 3 और होल डिवाइड बे 3 इंटू 5 कितना होता है, 15। तो इधर है x बाई 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू
फाइव वाई जा 25x माइनस फाइव टू जा 10 माइनस सेवन थ्री जा 21x माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री जा 9 डिवाइड बाय 15। इतना सबको आसानी से समझ में आया होगा। अब ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, तब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बोथ द साइड पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो इनइक्वालिटी चेंज करे बिना। 25 में से 20x 21x को माइनस करोगे तो कितना रहेगा 4x माइनस 10 प्लस 9 कितना बचेगा माइनस 1 कितना बचेगा माइनस 1 और इधर यहाँ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आने वाला था ना और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखो ये 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2, अब ये 8x इधर आएगा तो माइनस 8x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, अभी कितना रहेगा 15x में से 8x को माइनस करोगे तो 7x बचेगा, कितना बचेगा 7x राइट। अब मैं पॉजिटिव 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो मैं सॉल्यूशन क्या मिला माइनस 2 बाय 7 माइनस 2 बाय 7। ये नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई करता है आपको पता है, यहाँ पे 0 है माइनस 1 है माइनस 2 है 1 है 2 है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ये देखो 0 पॉइंट समथिंग आंसर होगा लेकिन नेगेटिव होगा, मतलब कि 0 एंड माइनस 1 के बीच में यही कहीं पे भी होगा माइनस 2 बाय 7 और वो पॉइंट इंक्लूड है और उनसे बड़े सारे नंबर तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। आई बात समझ में? तो फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम का एक ग्रुप भी है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।